बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। पहला बार मैं ध्यान में गई हूँ, मैं कभी पहले ध्यान में नहीं गई। मुझे पूरी बोल नहीं सकती, श्वास जाता, फिर भी दादी बोले तो मैं ध्यान में कैसे गई। वो पीछे ओम की धुनी बताऊं, मुझे आती नहीं है पूरी। ओ फेरे तो बाबा ये ओम की धुनी कर रहा था, बस बाबा का ओम की धुनी करना और मेरा ध्यान में सुना। तो पहली बार जब मैं वहां पहुंची तो मेरी दृष्टि बाबा के इस मस्तक पर पड़ी और मस्तक से ऐसे लगे कि कोई ऐसी लाइट निकल रही है, बिल्कुल मुझे कौन बाबा है क्या कुछ ध्यान है, पर ऐसे लगे मस्तक से यू लाइट। फिर मैंने कहा कि मेरे अंदर में आया कि तीन चार दिन, अब समझो वो तीन चार दिन पहले जो मैं सुबह सुबह बताया नहीं कि ध्यान में देखा श्री कृष्ण, तो मैंने कहा ये तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है और ये मुझे सुपनों में क्यों आया और ये मैं इसको देख रही हूँ, ये ऐसा ही बिल्कुल मैंने सत्यनारायण भगवान रूप में तो मैं सुपने में देखा, ये कौन है, ये सत्यनारायण भगवान है क्या, ये सत्यनारायण भगवान है क्या, बस ऐसा ही मैं बाबा को देखती रही और देखती देखती ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई ना। फिर ध्यान में चली गई तो फिर वो ही मैंने श्री कृष्ण, वो बगीचा, वो लाइट, वो सत्यनारायण भगवान बिल्कुल जो मैंने पहले सपने में देखा वो मैंने उसी ध्यान, और ध्यान में मैं चली गई तो कितना समय मैं ध्यान में बैठी रही। अब कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं, और सारे उठ गए तो जब मैं सब उठ गए तो कोई ने मुझे उठाया होगा, उठो उठो तो कुछ मैं जागी, जागी तो मैं वैरी हो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ और सब तो खाली हो गया, तो मुझे आई लज्जा, मैं लज्जा के मारे उठ के भागने लगी। तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बुलाया तो हम तो छोटी थी तो मुझे तो अंदर तो लगे सत्यनारायण भगवान है, मैं इनको देखूं लेकिन बाहर से मैं डरूं और बाबा के सामने नहीं जाऊं कि कैसे जाऊं, बच्चे ही तो होते हैं। तो बाबा ने बुलाया, आओ बेटी बेटी आई, तो बाबा बुलाया बस मैं ध्यान में थी, बाबा ने जब मुझे बुलाया तो भी मैं ध्यान में थी, मैं बाबा को वो ही सत्यनारायण भगवान के रूप में देख रही और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण आवे, श्री कृष्ण आवे, ये आवे, ऐसा ही मैं देखती गई। तो क्या हुआ कि मैं उसी ध्यान में जो पहले गई तो मैं घर आई तो भी ध्यान में, कितना दिन रात को नींद नहीं आवे, जब देखो बस जाके ऊपर कोठे पर, वहां पर कोठे होते हैं छत, जिसको छत कहते, माना नीचे में रूम्स होती और सिंगल सिंगल स्टोरी, बड़ा नहीं दो दो मार होती सिंगल स्टोरी, बस जाके मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी, घंटों के घंटा मैं ध्यान में चली जाती थी। फिर मेरी माँ समझे, मालूम नहीं बेटी को क्या हुआ है, क्या हुआ है, नहीं खाती है, नहीं पीती है, नहीं बोलती है, नहाती है, बस जब देखो
ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है, ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है। वो बहुत मुझे उठाती थी पर मुझे कुछ नहीं, बस मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं। लेकिन सत्संग में तो 10 के पहले कोई जा नहीं सकता था, सारे दिन में कोई जाता ही नहीं था, 10 बजे ही जाते थे। तो मैं समझू कब होवे मैं जाऊं। कुर्बान आप पे बाबा ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं मीठे बच्चे।